एक बार की बात है, एक जंगल में शेर खान नाम का शेर था, जो कि जंगल का राजा भी था। उसके बेटे का नाम सिम्बा था और शेर खान के बाद अगला राजा सिम्बा ही बनने वाला था। जंगल के सभी जानवर सिम्बा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक टाइगर का झुंड ऐसा था जो शेर खान और सिम्बा से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एक बार शेर खान ने टाइगर के झुंड के नेता को मार डाला था और तभी से टाइगर के झुंड के बाकी टाइगर शेर खान से बदला लेना चाहते थे। शेर खान बहुत ताकतवर था, इसीलिए वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन उनका निशाना था सिम्बा। वह अक्सर सिम्बा को मारने की फिराक में रहते थे और एक दिन उनको ये मौका मिला जब सिम्बा खेलते खेलते एक मिट्टी के दलदल में फंस गया। उस समय सिम्बा जंगल के छोटे छोटे जानवरों के साथ खेल रहा था। जब सिम्बा दलदल में फंस गया तो गिलहरी भागती भागती भालू के पास गई और उसने सिम्बा के दलदल में फंसे होने की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर एक टाइगर ने दौड़कर ये जानकारी टाइगर के झुंड को दी और बहुत सारे खूंखार टाइगर सिम्बा को मारने के लिए वहां आ पहुंचे। जैसे ही टाइगर का झुंड सिम्बा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उस समय वहां भालू आ पहुंचा और उसने उन टाइगर्स को ललकारते हुए कहा, और ये कहने के बाद भालू उन सभी टाइगर्स पर टूट पड़ा। इसने एक के बाद एक उन सभी टाइगर्स को मार डाला और उसके बाद उसने सिम्बा को दलदल से बाहर निकाला और जंगल के बाकी जानवरों के साथ उस तालाब के किनारे नहलाने के लिए भेज दिया, क्योंकि दलदल में फंस जाने के बाद सिम्बा बहुत गंदा हो गया था। तब तक शेर खान को भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वह दौड़ता हुआ उस दलदल के पास पहुंचा, पर वहां जाने पर उसने देखा कि सिम्बा कहीं नहीं है। वहां उसे भालू दिखाई दिया जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, क्योंकि उसने उन सभी टाइगर्स को मार डाला था। लेकिन शेर को उस दौरान एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। शेर को लगा कि भालू ने ही उसके बेटे यानी सिम्बा को मार खाया है, और इससे पहले कि भालू अपनी सफाई में कुछ कह पाता, शेर उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। शेर इतना ताकतवर था कि उसने तुरंत ही उस भालू की जान ले ली। थोड़ी देर बाद शेर देखता है कि सिम्बा जंगल के बाकी छोटे जानवरों के साथ हंसता खेलता हुआ आ रहा था। शेर खान सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसका दिमाग घूमता है और वह सिम्बा से पूछता है, बेटा सिम्बा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तो सुना था कि तुम किसी दलदल में फंस गए हो। सिम्बा ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं इस दलदल में फंस गया था और एक टाइगर्स के झुंड ने मुझ पर हमला भी बोल दिया था। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तभी भालू अंकल वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने समय रहते मुझे दलदल से बाहर निकाला और उन सभी टाइगर्स को मार डाला। शेर खान को सारी घटना समझ आ चुकी थी। उसको बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने बेटे की जान बचाने वाले भालू की ही जान ले ली थी। तभी सिम्बा ने देखा कि वह भालू वहां मरा हुआ था। सिम्बा भालू को मरा देखकर बहुत रोने लगा और बोला, अरे भालू अंकल को किसने मारा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। शेर खान की हिम्मत नहीं होती है कि वह सिम्बा को सच बता सके। समय बीतता गया और धीरे धीरे सिम्बा बड़ा होने लगा। एक दिन जंगल में उसने दूसरे जानवरों से सुना कि उस बेचारे भालू की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पिता शेर खान ने ली है। यह सुनकर सिम्बा आग बबूला हो गया और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आपने ही भालू की जान ली थी? शेर खान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे सिम्बा से क्या कहे। उसने दुखी होते हुए कहा, हाँ बेटा, दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि उस भालू ने तुम्हारी जान ले ली है, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। सिम्बा को बहुत दुख हुआ ये सुनकर। वह अपने पिता से भी बहुत गुस्सा था। वहीं दूसरी ओर टाइगर्स के झुंड के नेता ने हार नहीं मानी थी
और वह शेर खान को मारने का प्लान बना रहे थे। शेर खान एक दिन जंगल से गुजर रहा था, तभी चलते चलते अचानक उसका पैर फंसा और वह एक गहरे दलदल में जाकर फंस गया। उन्होंने शेर खान को फंसाने के लिए ही यह चाल चली थी और घास फूस से उस दलदल को ढक दिया था ताकि शेर खान जाकर उसमें फंस जाए। उसे देखकर सभी टाइगर्स का झुंड खुश हुआ और उनके नेता ने बोला, शेर खान अब क्या करोगे, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वह उस पर हमला करने जाने ही वाले थे कि तभी सिम्बा वहां पहुंचा। उसने टाइगर्स के झुंड को मार भगाया और अपने पिता की जान बिल्कुल वैसे बचाई जैसे बचपन में भालू ने उसकी जान बचाई थी। शेर खान को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। शेर खान ने एक बार फिर अपने किए की माफी मांगी। कुछ समय बाद में सिम्बा ने राजा की गद्दी संभाली और वह जंगल का नया राजा बन गया। सबसे पहले उसने जंगल के सभी दलदलों को बंद करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बात बिना सुने कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। चतुर बंदर, सफेद शेर और जादुई मटका। जंगल का कोई राजा नहीं था, ना किसी का हुक्म और ना किसी की गुलामी। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन कहीं से एक जादुई शक्तियों वाला और ताकतवर सफेद शेर जंगल में आता है। जानवर एक जगह पर बातें कर रहे थे कि तभी वो सारे जानवरों से कहता है, सुनो जंगल वासियों, आज से मैं तुम्हारा राजा और भगवान हूँ समझो, इसलिए तुम सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मेरी पूजा करनी ही पड़ेगी। क्यों हम तुम्हारी बात माने और हम तुम्हें अपना राजा मानने से इनकार करते हैं? वैसे भी हमारे जंगल को किसी राजा की कोई जरूरत नहीं है। हिरन के साथ साथ बाकी के जानवर भी सफेद शेर को राजा मानने से इनकार करते हैं। तब सफेद शेर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने जादू से आग बरसाने लगता है और हिरन को तो एक चूहा ही बना देता है। सफेद शेर का ये रूप देखकर बाकी के जानवर घबरा जाते हैं। बेचारे जानवर सफेद शेर को अपना राजा मानने लगते हैं, पर शेर राजा बनकर प्रजा की रक्षा नहीं कर रहा था बल्कि उन पर हुक्म फरमा रहा था। उनकी जरा सी गलती पर उनकी जान ले रहा था। सफेद शेर का आतंक दिन ब दिन जंगल में बढ़ता ही जा रहा था। जो जंगल हंसी खुशी से रहता था वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। सारे जानवर मुरझा गए थे। ऐसे में एक दिन बंदर मटका लेकर जंगल वापस आता है। जंगल में आते ही वो सोचता है, अरे ये जंगल में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, लगता है कुछ गलत हुआ है जंगल के साथ, पर क्या बात है कोई भी नहीं दिख रहा है। बंदर सोचते सोचते अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में सुअर दिखाई देता है। तब सुअर से पूछने पर सुअर बंदर को सफेद शेर की बात बताता है और वो वहां से चला जाता है। बंदर सोच में डूब जाता है कि तभी वहां सफेद शेर दहाड़ मारते हुए आता है। बंदर को देखते ही शेर गुस्से से कहता है, तुम कौन हो, कभी देखा तो नहीं तुम्हें इस जंगल में, कहां से आए हो तुम? महाराज मैं काम की वजह से कुछ दिन जंगल से बाहर गया था, वैसे मुझे आपके बारे में सब पता है। महाराज मैं आपके दोपहर के खाने के लिए मटका बिरयानी बना रहा हूँ, मेरे घर आकर मटका बिरयानी का स्वाद लीजिए। मटका बिरयानी की बात सुनते ही शेर के मुंह से लाड़ टपकने लगती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और बंदर की बात मानकर वहां से चला जाता है। तब बंदर मन ही मन सोचता है, बाप रे मैं तो पल भर के लिए डर ही गया था, इस सफेद शेर से हम ताकत से नहीं जीत सकते, पर अपना दिमाग चलाकर उसे फंसाकर जरूर हरा सकते हैं। अब मटका बिरयानी का बहाना बना ही लिया है तो सफेद शेर को खिला ही देते हैं मटका बिरयानी। बंदर के दिमाग में सफेद शेर को सबक सिखाने का आइडिया आता है। बंदर मटका बिरयानी बनाकर सफेद शेर का इंतजार करता रहता है। सफेद शेर आते ही बिरयानी की सुगंध से खुश हो जाता है और कहता है, अरे बंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मटका बिरयानी से,
खुशबू से ही बड़ी भूख लग गई है। चलो चलो जल्दी से मटका बिरयानी दे दो मुझे। महाराज, ये मटका बिरयानी ऐसे नहीं खाई जाती, डायरेक्ट मटके से ही खाई जाती है। वो दरअसल मेरा मटका कोई मामूली मटका नहीं है, वो एक जादुई मटका है और उसमें बनी हुई चीजें भी जादुई रहती है। तब तो सफेद शेर ना आगे देखता है और ना पीछे, मटका बिरयानी पर टूट पड़ता है। शेर मटका बिरयानी खाने के लिए अपना सर मटके के अंदर डालता है तो वहाँ बिरयानी की जगह चूहे मिलते हैं। दरअसल बंदर ने अलग ही मटके में बिरयानी बनाई थी। चूहों से बचने के लिए सफेद शेर अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपना सर बाहर नहीं निकाल पाता। चूहे शेर के चेहरे को काटने लगते हैं। तब सफेद शेर चिल्लाते हुए कहता है, अरे बंदर, बिरयानी के नाम से ये चूहे कैसे, ये तो मुझे काट रहे हैं। अरे मुझे बाहर निकालो बंदर, प्लीज मुझे बचा लो। क्यों राजा साहब, तुम्हें तो बड़ा शौक है ना जानवरों को चूहे बनाने का, अब भुगतो अपने किए की सजा। सफेद शेर चिल्लाते रहता है। तब बाकी के जानवर वहां आते हैं। शेर की ऐसी हालत देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। इस तरह से सफेद शेर वही तड़प तड़प कर मर जाता है और फिर से एक बार जंगल किसी की गुलामी से मुक्त हो जाता है। फिर से सारे जानवर बिना किसी राजा के खुशी से रहने लगते हैं। ये मैजिकल डोर्स डायमंड। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में एक शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती थी। सिम्बा बहुत ही सफेद था। सिम्बा उस जंगल का राजा था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा सिम्बा से बहुत खुश थे, और हो भी क्यों नहीं, सिम्बा जो इतना नेक और दयालु राजा था। सिम्बा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन एक काला चीता पास के जंगल से उस जंगल में आता है। काला चीता जंगल को देखकर मन सोचता है, ये जंगल तो जानवरों से भरा पड़ा है, अगर मैं इस जंगल का राजा बन गया तो सारे जानवर मेरे गुलाम होंगे, बिना शिकार किए ही मुझे भोजन मिल जाएगा, खूब मजे होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही सावधानी से सिम्बा को इस जंगल से हटाना होगा। रही उस बूढ़ी शेरनी की बात, बेटे के गम में वो खुद बखुद मर जाएगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले शेरनी से दोस्ती करनी होगी और उसका विश्वास जीतना होगा। यूं सोचकर काला चीता वहां से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा भोजन ढूंढने जंगल में घूम रहा था कि इधर शेरनी गुफा में अकेली ही थी। ये देख काला चीता अपने कुछ साथी दोस्त लकड़बग्गों को शेरनी पर हमला करने भेज देता है। लकड़बग्गे शेरनी पर हमला करते हैं। ये देख काला चीता भागता हुआ जाकर लकड़बग्गों पर हमला करता है। जैसे ही काला चीता लकड़बग्गों पर हमला करता है, लकड़बग्गे वहां से भाग जाते हैं। तब शेरनी काले चीते से कहती है, काले चीते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मेरा बेटा सिम्बा शिकार पर गया हुआ है। यूं शेरनी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सिम्बा आता है। शेरनी सिम्बा को सारी बात बताती है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी माँ की जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। दोस्त, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल में भटकता रहता हूँ। आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं, तुमने सिम्बा की माँ की जान बचाई है, मतलब सिम्बा की जान। आज से तुम हमारे साथ हमारे ही गुफा में रहोगे, क्यों माँ, सही कहा ना? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ हमारी गुफा में ही रहो, आज से मेरे दो दो बेटे हैं। ये सुनकर काला चीता मन ही मन खुश होता है। उसकी चाल कामयाब हो गई। काला चीता चुपके से सिम्बा के खाने में जहर मिला देता है। सिम्बा को उस दिन घर आने में देरी हो गई थी। इधर शेरनी जहर वाला खाना खा लेती है और बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ सिम्बा आता है। सिम्बा को आता देख काला चीता कहता है, अरे कोई है, जल्दी से उल्लू वैद को बुलाओ। ये सुनकर सिम्बा भागा भागा आता है। सिम्बा के साथ साथ बाकी के जानवर भी वहाँ आते हैं। उनमें से उल्लू वैद भी था। वो शेरनी को देखकर कहता है, सिम्बा, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है,
इन्हें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। क्या है वो चीज? जल्दी बताओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो इतना आसान नहीं है। वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। जंगल की दक्षिण दिशा में 3 जादुई दरवाजे हैं, जो सूर्योदय के समय खुलते हैं और सूर्यास्त को बंद हो जाते हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे में जादुई हीरा है, जिसकी किरणें अगर तुम्हारी माँ पर पड़ जाए तो तुम्हारी माँ बच सकती है। ये सुनते ही सिम्बा एक पल की भी देरी ना करते हुए उस हीरे की तलाश में निकल पड़ता है। तब काला चीता अपने मन में सोचता है, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब ये सिम्बा तो वापस आने से रहा, और ये बुढ़िया तो यूं ही तड़प तड़प कर मारी जाएगी। इधर सिम्बा बहुत ही तेजी से भागता हुआ उन दरवाजों की ओर जा रहा था। गर्मियों का मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। सिम्बा को प्यास लग रही थी, लेकिन वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी अचानक से जोर की आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक से इतनी तेज आंधी और बारिश कैसे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे उस हीरे तक पहुँचू? आंधी की वजह से बड़े बड़े पेड़ और पत्थर रास्ते में गिरे हुए थे। रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे सिम्बा आगे बढ़ रहा था, रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था कि अचानक से उसे किसी की दर से खिसकने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक बड़े से कांटों से भरे गड्ढे में बूढ़ी शेरनी गिरी हुई थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई है, कृपा करके इस बूढ़ी शेरनी की मदद करो। सिम्बा बूढ़ी शेरनी की ओर जा ही रहा था कि वहाँ एक सुनहरा शेर आता है और सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। देखो, सूर्यास्त होने वाला है, उस बूढ़ी को छोड़ो और अपनी माँ की जान बचाओ। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कृपा करके मेरी मदद करो। यहाँ कांटे बहुत चुभ रहे हैं, लगता है मेरी जान चली जाएगी। बुढ़ी मरती है तो मरे, तुम छोड़ो उसकी बातें और आगे बढ़ो। सिम्बा एक पल के लिए सोचता है और झट से बूढ़ी शेरनी की मदद करने उसके पास चला जाता है। वो जैसे तैसे बूढ़ी शेरनी को उन कांटों से बाहर निकालता है। जैसे ही बूढ़ी शेरनी गड्ढे से बाहर आती है, मौसम एकदम से साफ हो जाता है। सिम्बा 3 जादुई दरवाजों के सामने खड़ा था। बूढ़ी शेरनी सुनहरी शेरनी में बदली हुई थी। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। सिम्बा, तुम मेरी रखी हुई परीक्षा में जीत गए। तुम एक नेक दिल और अच्छे जानवर हो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी माँ को जहर दिया गया था। असल में वो जहर तुम्हें मारने के लिए था, जो तुम्हारी माँ ने खा लिया। क्या, मुझे मारने? पर ऐसा कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? शेरनी सारी बात सिम्बा को बताती है और कहती है, ये लो, ये जादुई हीरा है, इसे लेकर जल्दी से घर जाओ और अपनी माँ की जान बचाओ। सिम्बा शेरनी का धन्यवाद करता है और हीरा लेकर अपनी माँ के पास आता है। सिम्बा को देखकर काला चीता चौंक जाता है। सिम्बा उस हीरे की मदद से अपनी माँ की जान बचाता है और काले चीते से कहता है, अरे ओ गद्दार, तू क्या समझ रहा था कि मैं नहीं आऊंगा? मैं तेरी सारी असलियत जान गया हूँ, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काला चीता डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। सिम्बा उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इस तरह से सिम्बा फिर से अपनी माँ के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगा।